नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत द कपिल चंदेला के न्यू वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपके सामने लेके आया वेन्यू का एस वाला वेरिएंट, जो कि बेस से ऊपर वाला मॉडल है। और दोस्तों ये हुंडई की गाड़ी है, आपको सबको पता ही है कि आपने रोडों पे भी चलती देखी होगी, सबने देखी होगी। और इसकी डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा आ रही है, बिकॉज ये भी वेटिंग पीरियड पर है। और ये जो वाली गाड़ी है मेरे दोस्त ने ली थी, और पर्सनली मैं आपको बताऊं दोस्तों, इसमें एसेसरीज का कुछ पार्ट्स लगवाने पड़े थे, यानी कि 10-20-30 हज़ार तक की, 40 हज़ार तक की एसेसरीज में लगवानी पड़ी थी जब हमें जाके ये गाड़ी मिली थी। बहुत मुश्किल से जाके मिली थी, हालांकि डिमांड होती है गाड़ियों की, बट अब ज़्यादा ही कुछ बढ़ती जा रही है दोस्तों। तो दोस्तों मेरी इस, अगर मेरे चैनल पर आप नए हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं, और शेयर करना ना भूले दोस्तों। और कमेंट ज़रूर करें कि मेरी वीडियो कैसी लगी है, गाड़ी के बारे में आप कुछ बताना चाहते हो दोस्तों। तो दोस्तों आपके सामने ही है, 1200 cc में दोस्तों आती है। हालांकि जो अगर एवरेज की बात करता हूं दोस्तों, जो एवरेज देती है ना गाड़ी, है एवरेज बता देता हूं दोस्तों, जो नॉर्मली रोड पे चलती है 12-13 से ऊपर ज़्यादा एवरेज नहीं देती दोस्तों, कंपनी चाहे कुछ भी कहे। जो मेरा ऑनरशिप रिव्यू है दोस्तों, जिसकी गाड़ी है मैंने उनसे पूछा है दोस्तों, रियली मैंने ये 12-13 से ऊपर एवरेज नहीं देती, और इससे ज़्यादा पुरानी गाड़ी भी मैंने देखी हुई है, उससे ज़्यादा एवरेज नहीं देती दोस्तों। दोस्तों देखने में गाड़ी काफ़ी अच्छी लगती है, और आपके सामने भी खड़ी है दोस्तों। तो एक बार आपको मैं एक रिव्यू बता देता हूँ जिसमें क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता है। सामने आप ग्रिल देख रहे हो, हुंडई का लोगो आप देख रहे हो, और जो आपकी सामने की जो ग्रिल है, जो आप एक देखते हैं क्रोम का आइटम, हल्का सा ग्रे कलर की क्रोम है ये, मतलब ग्रे स्मोक ग्रे आप बोल सकते हैं, 3D की टाइप लग रही है। सेकेंडरी ग्रिल भी काफ़ी अच्छी है, वाइड है, जिससे कि एयर कंज्यूमिंग अच्छी होती है, एवरेज अच्छी देती है दोस्तों। और सामने आप देख सकते हो हेलोजन इसमें लैंप है दोस्तों, प्रोजेक्टर नहीं है दोस्तों, आप देख सकते हैं, क्योंकि बेस से ऊपर वाला ये मॉडल है। और ये भी थोड़ी अट्रैक्टिव लग रही है दोस्तों, अगर लाइट की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको ना साइड प्रोफाइल भी इसमें दिखा देता हूँ कि कितने इंची टायर इसमें आता है दोस्तों। तो एक बार मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, आप देख सकते हैं 195/65R15 आप देख सकते हैं दोस्तों, आपका ये रिम साइज है, आप सामने देख सकते हैं। तो दोस्तों जो व्हील कवर है ना दोस्तों, ये व्हील कवर है, अलॉय व्हील नहीं, ध्यान रखना। और फेंडर पे इंडिकेटर आता है, ये क्रोम की जो आइटम लगी हुई है ORVM पे, बॉडी कलर ORVM आते हैं, ये क्रोम के आइटम अलग से लगी हुई है, कंपनी ने ही लगा के दी है एसेसरीज, जो मैं आपको बता रहा था कि एसेसरीज फिटमेंट इसमें करके दी है। डोर हैंडल भी आप इसमें अलग से लगाए हुए हैं, और डोर वाइजर अलग से लगाए हुए हैं दोस्तों, और रूफ रेल्स इसमें दोस्तों आती है। तो साइड की अगर प्रोफाइल की अगर बात करते हो, साइड की प्रोफाइल काफ़ी अच्छी है, बहुत ही यूनिक अच्छी डिज़ाइन इसमें दिया गया है। आप अगर हम पीछे की बात करते हैं, इसका एस वेरिएंट जो है दोस्तों, जो टेल लैंप्स है, जो कनेक्टिंग टेल लैंप्स है, आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छी है, इसी की वजह से ज़्यादा ही ये फेमस हुई है। आजकल जितनी भी गाड़ी आ रही है, SUV आ रही है, चाहे कोई भी गाड़ी आ रही है, दो से कनेक्टिंग लाइट ज़रूर दे रहे हैं, टेल लैंप जो होती है ना, ये कनेक्टिंग बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। शार्फिन एंटीना आप देख सकते हैं, आप देख काफ़ी, मतलब पीछे की नीचे की भी अगर बम्पर की बात करें, जो पूरा ब्लैक कलर की जो डिज़ाइन दिया गया है काफ़ी अच्छी है। और मैं आपको इसमें चाबी दिखा देता हूँ, इस तरह की इसमें की आती है, फ्लिप की आती है दोस्तों, आप देख सकते हैं, जो कि मुझे काफ़ी हद तक अच्छी है दोस्तों। इसके हॉर्न की अगर बात करोगे ना, रियली मैं ना सारी हुंडई की जो हॉर्न है सर दोस्तों, मैं रियली मैंने इतने अच्छी है दोस्तों, आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा है। जो पाँव पाँव की आवाज़ जो आती है ना, रियली मैं दिल खुश कर देती है, और दूसरे पता चलता है कि हुंडई की गाड़ी है। आप बूट स्पेस देख सकते हैं, स्टेपनी यहाँ पर रखी हुई है दोस्तों, और सेम साइज़ की स्टेपनी है, कि ऐसे नहीं है कि कम साइज़ की है, 15 इंची है, आप देख सकते हैं। बूट स्पेस भी काफ़ी अच्छा है, अगर दोस्तों जिसने नहीं देखा आप देख सकते हैं कि बूट स्पेस भी काफ़ी अच्छा है रियली में। डिफॉगर है पीछे में दोस्तों, ये मुझे सही में नहीं आता, हर गाड़ी मैंने यहाँ दिया होता है, पता नहीं हाथ अटकता है, चोट भी लग सकती है, इससे बेटर कि यहाँ से पकड़ के आप इसे आसानी से बंद कर सकते हैं, पता नहीं क्यों दिया होता है, पता नहीं। इसके लिए कॉस कटिंग करो ना, मैं तो कहता हूँ कॉस कटिंग इसके लिए करो, ये पकड़ के जो नीचे करते हो, क्योंकि हाथ में भी लग सकती है। अब इंटीरियर की बात करते हैं, तो चारों पार विंडो है, एक साइड से बैठ के हम ORVM कंट्रोल कर सकते हैं, विंडो लॉक कर सकते हैं दोस्तों, डुअल कलर है, डुअल इंटीरियर है कलर है, अंदर के जो सिल्वर कलर के डोर हैंडल, इन साइड डोर हैंडल इसमें दिए गए दोस्तों। और मैं हर वीडियो में जो बताता हूँ टायर प्रेशर के लिए दोस्तों, आप देख सकते हैं इसमें, यहाँ पर मॉनिटरिंग कर सकते हैं, सेल्फ अपना टायर प्रेशर कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। और इसमें यहाँ पर एट्रैक्शन का और आइडल स्टॉप स्टार्ट का, लाइट का एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं। स्टीयरिंग माउंटिंग कंट्रोल है, देख सकते हैं,
और एक एक चीज मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। मीटर भी काफ़ी अच्छा डिजिटली मीटर है, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। मैं एक बार आपको ऑन करके भी दिखा देता हूँ। ये जो मीटर है दोस्तों मुझे काफ़ी अच्छा लगा। स्टीयरिंग माउंटिंग कंट्रोल आप देख रहे हैं दोस्तों, सारा कुछ है इस पर। आपने स्टीयरिंग कंट्रोल मोड ऑफ है, ऑन है, फ़ोन उठाना, काटना, चेक करना, हर चीज़ इसमें आप देख सकते हैं। और मीटर को कंट्रोल कर सकते हो राइट हैंड साइड से। जो क्लस्टर मीटर है दोस्तों आप देख सकते हैं, डिजिटली है सारा, काफ़ी अच्छा है। और जैसे ही जैसे गाड़ियाँ इंटेलिजेंट होती जा रही है, आगे और बढ़ती जा रही, टेक्नोलॉजी नई नई आ रही है दोस्तों, ये मीटर जो है ना डिजिटली होते जा रहे हैं। अब तो मैनुअली मीटर शायद कम बचे हैं दोस्तों, रियली में कम है, क्योंकि बाई चांस कोई गाड़ी दे रहा है, कोई नहीं दे रहा। हालांकि बहुत अच्छी है रियली में। सुई जो होती है, जैसे मान लो कि आपको सुई जो दी होती है उसके तेल की, पेट्रोल की दोस्तों, उससे इतना पता नहीं लग पाता। जो बिलिंग होती है ना, जो पॉइंट आते हैं, उससे ना अच्छा पता लगता है। वाइपर को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। म्यूजिक सिस्टम यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी अच्छा है, वाइड है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, FM है, रेडियो है, आप इसमें देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। मतलब अच्छा लग रहा है बीच में बहुत ज़्यादा। और यहाँ से आप कंट्रोल्स आप कर सकते हैं, वॉल्यूम वगैरह यहाँ पर आप देख सकते हैं। डुअल इंटीरियर है आप देख सकते हैं, और यहाँ से आप AC को कंट्रोल कर सकते हैं दोस्तों। मैनुअली AC है, और रियर फॉगर, डीप फॉगर आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। USB के लिए यहाँ से 12 वोल्ट का चार्जर के लिए भी है, और C टाइप का चार्जर भी इसमें ऑप्शन दिया गया है। और नीचे रखने की जगह भी काफ़ी अच्छी है, और यहाँ पर एक आप ग्लास रख सकते हैं, 250 ml की बोतल रख सकते हैं। और दोस्तों इसका जो इंटीरियर है काफ़ी अच्छा लगा है मुझे, क्योंकि इसका इंटीरियर ना डुअल टोन इंटीरियर है, काफ़ी अच्छा लगा है मुझे। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं सनवाइज़र है, यहाँ पर वैनिटी मिरर भी है दोस्तों, हालांकि यहाँ नहीं मिलेगा क्योंकि ऐसे सेफ्टी पॉइंट इसमें कोई कंपनी देती है, कोई नहीं देती। और दोस्तों मैनुअली इसमें IRVM है आप देख सकते हैं, ऑटो नहीं है। और ये दोस्तों ये जो ये बटन है खोलने का, मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। यहाँ पर ऊपर छोटा मोटा सामान आप इसमें आसान रख सकते हैं। और आर्मरेस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर ये आर्मरेस्ट है, काफ़ी अच्छा है, वाइड है, और हाथ रखने का स्पेस भी काफ़ी अच्छा है। मतलब अगर चारों तरफ से अगर मैं देखूँ ना, काफ़ी अच्छी मुझे गाड़ी लगी है रियली में ना। सारा कुछ सारे फीचर्स आ जाते हैं इस मॉडल में, चारों पावर विंडो, पावर स्टीयरिंग, AC हीटर, म्यूजिक सिस्टम, डुअल टोन इंटीरियर, मतलब क्या नहीं है दोस्तों रियली में ना, क्या नहीं है। पीछे का मैं इंटीरियर दिखा देता हूँ दोस्तों, ये पीछे भी पावर विंडो इस तरह से है, और आप पीछे भी आप रियर वेंट AC इसमें देख सकते हैं। यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट भी इसमें दिए गए हैं। और इंटीरियर की बात करें तो काफ़ी अच्छी है। ऊपर ना इसमें लाइट दी गई है, इनसाइड लाइट जो दिखाती है दोस्तों, डोर बंद है खुले या इसको ऑन ऑफ भी हम कर सकते हैं। और ये दोस्तों जो हेडरेस्ट है वो फिक्स है बिल्कुल, इसको हम रिमूवल नहीं कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। पीछे से मैं इंटीरियर दिखा देता हूँ दोस्तों, रियली में काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ना स्पेस, आप पैर का स्पेस आप देखते हैं, लेग स्पेस जिसको कहते हैं, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों मेरी इस वीडियो पे अगर जो भी नए हैं प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूले। प्लीज़ दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, जो भी इसे देख रहा है वीडियो को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मैं आगे और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाते रहूँगा। दोस्तों आप जो ये व्हील कवर देख रहे हो ना, ये अलॉय नहीं है, व्हील कवर है दोस्तों, क्योंकि हुंडई में ही आ रहे हैं। रियली में ऐसा लग रहा है दोस्तों कि ये अलॉय है, और मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है मार्केट में, आप देख सकते हैं रियली में डिमांड ज़्यादा है। आप जाओगे ना तो आपको एक बार में ये गाड़ी नहीं मिलेगी दोस्तों। और दोस्तों मैं एक बार ना आपको ना इसका ना जो बोनट ओपन करके दिखा देता हूँ, किस टाइप से क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता है। यहाँ पर आप गियर ऑयल डाल सकते हैं, देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पर डलता है, इस तरह से पॉइंट इसमें दिया होता है। ये इंजन ऑयल के लिए है दोस्तों, जो जो मुझे पता है मैं आपको वो बता भी देता हूँ। और यहाँ पर ये दोस्तों वाइपर के लिए, पानी के लिए यहाँ पर। और इंजन काफ़ी अच्छा है रियली में। और जो नीचे है ना, नीचे कवर भी इसमें दिया गया है, कूलेंट के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ABS सामने है बिल्कुल आपके राइट हैंड साइड में, अंदर की तरफ यहाँ ABS है, ABS EBD इसमें दोनों आती है दोस्तों, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। और यहाँ पर मतलब एक तरह से ना इंजन को इस तरह से अच्छे से कवर किया गया है ना दोस्तों, रियली में काफ़ी अच्छा लग रहा है, आप देख सकते हैं। और देखो कितना मतलब साइलेंट इंजन है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, आप देख सकते हैं साइलेंट इंजन है बिल्कुल, बहुत ज़्यादा साइलेंट इंजन है दोस्तों। ये क्या चीज़ घूम रही है? तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे इस वीडियो को देखने में। रहा होगा
थैंक यू सो मच।